श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी जो कि खास इस महीने उत्पन्ना एकादशी के रूप में जानी जाती है, इस दिन माना जाता है कि माता एकादशी का जन्म हुआ था, इसलिए इन्हें उत्पन्ना एकादशी के रूप में जाना जाता है। इस कारण से भी और इस माह में पड़ने वाली एकादशी श्री कृष्ण भगवान को अत्यधिक प्रिय है। इस माह जो है श्री कृष्ण भगवान की पूजा आराधना होती है और माँ एकादशी का इस दिन जन्म हुआ है तो अपने आप में यह एकादशी अद्भुत है। ऐसे में गुरुदेव के कुछ खास उपाय भी आप सभी के साथ शेयर करूंगी और साथ ही गृहस्थ जन 20 नवंबर को एकादशी का व्रत करें या 19 को, यह भी आप सभी को बताऊंगी। जैसे कि एकादशी का व्रत करने से बहुत सारे शुभ फलों की प्राप्ति होती है, तो जो गृहस्थ जन है वह 20 नवंबर उदिया तिथि के हिसाब से गृहस्थ जन जो है 20 नवंबर दिन रविवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगे, परंतु रविवार होने के कारण माँ तुलसी का पूजन नहीं किया जाएगा। जैसे कि तुलसी माता जो है श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, ऐसी अवस्था में आप सभी कोई उपाय करें विशेष पूजा आराधना के लिए। श्री हरि विष्णु को भोग लगाने के लिए माता तुलसी एक दिन पहले ही आप तोड़ लीजिए। रविवार के दिन तुलसी पूजा नहीं की जाती, इस बात का आप सभी ध्यान रखिए। अब आप सभी व्रत कर सके तो अति उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है, ना कर सके तो श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा आराधना करने का प्रयास करें। सुबह सुबह पूजा इत्यादि कर लीजिए, किसी कारणवश व्रत नहीं कर सकते तो भोजन इत्यादि ग्रहण कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आपकी सामर्थ्य रहे तब जो है व्रत करने का शुरू कीजिएगा। अब जानते हैं गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी के उपाय। सबसे पहले आप सभी को कहना चाहूँगी, व्रत ना कर सके, कोई विशेष पूजा पाठ ना कर सके तो श्री हरि विष्णु के मंदिर में या के मंदिर में ही श्री हरि विष्णु के नाम का एक दीपक जरूर लगा दे। अगर माता तुलसी को लगा रहे हैं तो दूर से ही उनके नाम का रख दीजिए, उन्हें स्पर्श नहीं किया जाता, ठीक है। अब गुरुदेव के उपाय जान लीजिए, काफी सरल हैं गुरुदेव के उपाय जो कि आप सभी को करने हैं। गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, अगर जीवन में लग रहा हो धन अभाव है, पितृ दोष है, श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो घर पर ही सबसे पहले यह उपाय कर लीजिए। आप सभी को साधारण तरीके से श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने घर के मटके परिंडे या घर के मंदिर के ही सामने स्वधा स्रोत का अगर एकादशी के दिन पाठ करते हैं या श्रवण कर लेते हैं तो काफ़ी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यह स्वधा स्रोत जो है आप सभी को ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन भी इसे सुन सकते हैं, किताब भी बाजार में मिल जाती है, वहाँ पर भी आप सभी स्वधा स्रोत का सबसे पहले एकादशी के दिन घर पर ही पाठ करें। संभव हो तो शिव के स्थान पर अर्थात भगवान शिव के मंदिर में या श्री हरि विष्णु के मंदिर में कर ले तो उत्तम है, नहीं तो घर पर ही इसे जो है आप सभी का पाठ करें, बहुत श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पितरों का भी इससे जो है मुक्ति के द्वार खुलते हैं और पितृ दोष और सभी देवी देवताओं की कृपा हमारे घर परिवार पर बरसती है। तो साधारण सरल तरीके का उपाय है स्वधा स्रोत का प्रार्थना पाठ करना जो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, तो जरूर एकादशी के दिन इसे करने का प्रयास कीजिए। यह रहा पहला उपाय। दूसरा उपाय है, गुरुदेव कहते हैं घर में लगे कि पैसा नहीं आ रहा है, पैसा आता है परंतु टिकता नहीं है, जीवन में हमेशा परेशानी बनी रहती है धन संबंधी, तो आप सभी को गंगाजल मिश्रित जल कर लेना है। कैसा करना है, जल ले लीजिए, उसमें गंगाजल मिला लीजिए, उसके अंदर जो है 7 बेलपत्री अपने मन की बात कहते हुए डाल देनी है। 7 बेलपत्री लेनी है, कटी फटी ना हो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और आप सभी को सबसे पहले यह गंगा जल जो है अपने मन की बात कहते हुए भगवान शिव के मंदिर में जो नंदी महाराज बैठे होते हैं उनके चरण पर यह जल डाल देना है। बस साधारण तरीके से यह करना है और जो 7 बेलपत्री बच जाएंगी उसे महादेव को समर्पित करना है एकादशी के दिन। बस साधारण सा यह कार्य करना है, इससे आपके जीवन में सभी सुखों की आपको प्राप्ति होगी। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अगर आप कर सके तो बहुत अच्छा होगा। एक माला का जाप करना, बहुत अच्छे आपको सुख फलों की इससे प्राप्ति होगी। इस तरह से यह जानकारी थी एकादशी व्रत पूजा पाठ से संबंधित। मन में कोई सवाल हो जरूर पूछ लीजिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।